सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक निराशावादी इंसान हर मौके पर सिर्फ कठिनाइयों को ही देखता है, जबकि एक आशावादी इंसान हर कठिनाइयों में मौके देखता है। आपको बोलना ही है तो सबके सामने बोलो, क्योंकि पीठ पीछे तो सब बोलते ही हैं। आपका आज का परिणाम आपके अतीत के किए हुए कर्म हैं। भविष्य बेहतर बनाना है तो आज के फैसले को बदल लो। आज का पंचांग 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 3:21 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ नामक नक्षत्र रात्रि 1:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:42 से 5:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 1:35 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। सिंह क्रांति की शुभकामनाएं। मेष राशि 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ख्याल रखें। जल्द ही कोई वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य करें। इससे काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होती जाएगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई और करियर से संबंधित समस्या का भी समाधान निकलेगा। जो बात आपके दिल और भावना से अधिक जुड़ी हुई है उसके बारे में कुछ प्रगति न होते दिखना आपको बेचैन कर सकता है। केवल उसी बात पर पूरा ध्यान लगाए रखने की वजह से भी आपको अधिक नाराजगी महसूस हो सकती है। जो काम और बातें आपके नियंत्रण में हैं, उसे करने की कोशिश करें। आपको सकारात्मकता प्रदान होगी। आपके काम के स्वरूप में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। साथ ही खुद के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का ठीक से पालन करना होगा। यदि पार्टनर रिलेशनशिप की बात के लिए आगे बढ़कर प्रयत्न नहीं कर रहा है तो रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना होगा। शरीर की बढ़ती गर्मी के कारण सेहत में बदलाव नजर आ सकता है। सावधानियां, अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, वरना आपके लिए नुकसानजनक की स्थिति बन सकती है। संतान का कोई जिद्दी व अड़ियल रवैया आपके लिए चिंता का कारण बनेगा, इसीलिए उचित अनुशासन बनाकर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी पुरानी साथी नई बनने की कोशिश कर रही है। आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को दूर करने की उनकी कोशिशों की भी कद्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करते यह भी तो उन्हें महसूस करा ही दे कि जो गलतियां वे पीछे कर चुके हैं आप उन्हें जानते हैं और वे दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। बात करते हैं करियर की। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजे हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। बिजनेस विस्तार संबंधित योजनाएं बनाने के लिए उचित समय है। इससे कामकाज के तरीकों में सुधार होगा। काम ज्यादा होने से नौकरी पेशा लोगों पर तनाव रहेगा। बात करते हैं सेहत की। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना बन रही है, ध्यान रखें।
आप उस तनाव में लग रही हैं फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योगाती का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो ना करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें या घर पर ही व्यायाम करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।